शुरू हो गई है नीट और JEE की तैयारी, अगर नहीं तो शामिल हो जाएं द नॉलेज गेट, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक कोचिंग इंस्टीट्यूट इन मुंब्रा कौसा, अफोर्डेबल फीस के साथ। सेपरेट बैचेस फॉर गर्ल्स, ऑडियो वीडियो रूम, डिजिटल सिलेबस और लाइब्रेरी। 8-12 कॉमर्स एंड साइंस। इसके अलावा IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है। यू डिजर्व द बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन, तो आज ही इनरोल करें द नॉलेज गेट इंस्टीट्यूट में। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शील टाइगर के एकता नगर इलाके में कल रात के समय में दो बच्चों के बीच में मारपीट की जो है विवाद हुआ था, जिसे कुछ लोग जातीय विवाद बताकर अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और सुबह सुबह इलाके में ACP विलास शिंदे और डायघर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI सचिन गावड़े अपनी पूरी टीम के साथ इलाके में पहुंच गए और यहां पर लोगों से बातचीत भी की है। पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि जिस तरह से अफवाह हुई जातीय विवाद को लेकर, यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दो बच्चों में आपसी विवाद हुआ था जिसमें कुछ बाहरी लोग भी आ गए थे, मगर आपसी विवाद को अफवाह बनाकर जातीय विवाद बताने की कोशिश यहां पर की गई। कुछ लोग अफवाह फैलाने की कोशिश करते रहे। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मीटिंग की और लोगों को भी समझाया बुझाया। इस दौरान काफ़ी पुलिस बल वहां पर रही और शांतिपूर्ण माहौल बना रहा। हालांकि मारपीट जो हुई है उसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे, पुलिस ने कहा है, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने भी लोगों से आह्वान किया है कि वो किसी भी तरह से अफवाह पर ध्यान न दें। इस पूरे मामले को लेकर ACP विलास शिंदे और डायघर पुलिस स्टेशन के सीनियर PI सचिन गावड़े ने क्या जानकारी दी है, आपको सुना दें। यहाँ पर 4 छोटे बच्चों का आपस में झगड़ा चल रहा था। कुछ उसमें माइनर थे, कुछ उसमें मेजर थे, उनका झगड़ा था। उसमें से एक ही वहाँ लड़का था, उसने जाके किसी और दो लड़कों को बुलाया। ये पर्सनल झगड़ा था। पर्सनल झगड़े में अफवाह फैली, कुछ लोग आए, मारामारी हुई। हमारे पास CCTV फुटेजेस है। जो भी दोषी है उनके ऊपर हमने केस किया है। जो भी दोषी है उनको CCTV पूरा चेक करके उनके ऊपर ही कार्रवाई होगी। बाकी सब जगह पर जैसे इस एकता नगर में, शील गांव में, हम सब लोगों ने ACP साहब, DCP साहब खुद आए हैं। हमने सबको आश्वस्त किया है कि किसी के ऊपर जो इन्वॉल्व नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। लोग शांति बनाए रखें, उसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है। ये आपस की लड़ाई है, दो बीच में हुई है, छोटा सा झगड़ा है, वो मर गया। बाकी यहाँ पे कोई तनाव का माहौल नहीं है। देखिए, हमें पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर यादव साहब हैं और मुजावर साहब हैं, यहाँ के अफसर, उनके मोबाइल नंबर सबको दिए है। यहाँ पे ऐसे कुछ भी सस्पेक्ट कुछ भी मूवमेंट नज़र आता है तो वो कांटेक्ट करें, मुझसे कांटेक्ट करें, हम लोग तुरंत एक्शन लें। उनका कहना क्या है, कुछ बाहर के लोग आके यहाँ पे बैठते हैं, उनकी वजह से उनको अनकम्फर्ट होता है। उसी के ऊपर कार्रवाई के लिए हमारे नंबर दिए गए हैं। अगर कोई भी सस्पेक्ट और अननोन आदमी यहाँ पे आके बैठता है तो वो जरूर पुलिस स्टेशन से संपर्क करें और जरूर उनको कस्टडी में इंक्वायरी की जाएगी। वो क्यों आया यहाँ पे, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी पूछताछ जरूर की जाएगी।